स्पॉन्सर्ड बाय LK इंटरनेशनल स्कूल। अकौना शेर घाटी गया। मगही को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय मगही संघ ने धरना दिया। इस दौरान टोला टाटी के संपादक सुमंत कुमार ने कहा कि मगही भाषा में सभी पवित्र ग्रंथ के अनुवाद कल गेल है, सरकार के झापन देके जगावे ला काम करे थी। मगहिया लोग जब भी धरना हुई लिट्टी चोखा सत्तू रोटी लेके पहुँच जाए। अपन माय बहन के साथ है। फिर से अले ही जंतर मंतर पर सरकार से मांग करे अले ही है कि कबले हमने के यहाँ पर ला बिखरा। अरे आवेला तो आप दे कर रहे, दिल्ली अब कौन दूर थोड़ू ना है। पहले कहूत कहल जा है कि दिल्ली बड़ी दूर है, अब दिल्ली कौन दूर ना है। जहिना हमने मगहियन के लगता है कि हमने जो सब काम कर रही है ओकर परिणाम सरकार के तरफ से ना आ रही है, तो सतुआ लिट्टी लिट्टी चोखा रोटी बांध के दिल्ली पहुंच जाए और जंतर मंतर पर जय बार धरना करे के जरूरत होते करब। हमने खाली धरना ना करिए, एक से पहले वक्ता लोग कलथिन आदमी के जगावेला, शासन प्रशासन के जगावेला, सरकार के जगावेला, अलगे अलगे तरह के कार्यक्रम कराए। अभी हाल में हमने मगध के गया जी से बिहार के राजधानी पटना तक पैदल यात्रा कर ली। पूरा रास्ता में मगहिया भाई बहन लोग ओकरा में सहयोग देते, ओकरो मूल में यही बात है। संविधान के 8वां अनुसूची में शामिल करा। आज भी कलकत्ता के आदमी, कलकत्ता के संगठन मगही मगध नागरिक संघ अपन बैनर तले सब के जोरिया के न खाली अपन देश के बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के आदमी के जुड़िया के यहाँ तक ललथे कि सब कोई चले जा और एक बार फिर से सुतन सरकार जो सरकार कान में तेल डाल ले ओकरा फिर से चली जा जगा भी जा। आओ हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के, हमने प्रधानमंत्री जी के, हमने गृह मंत्री जी के गृह मंत्रालय में अपन बात लिखी से देवे कि हमने के भाषा मगही जो समृद्ध है ओकरा में बाहरी कुछ डालने की जरूरत ना है। इतिहास उठा के देख लेते, साहित्य उठा के देख लेते, साहित्य के जौन विधा है वो विधा में देख लेते कि हमर मगही में रचना है कि नहीं। खाली कहानी कविता उपन्यास नाटक के बात हम न करेंगे। हम जो साहित्य के सबसे गूढ़ विधा होगा है भाषा विज्ञान काव्य शास्त्र सब पर हमर खाली किताबें ना है, हमारे शोध प्रबंध है। भरत बाबू जी हमने के गार्जियन थे, अभी मगध विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, अपने लोग के बतावे थे कि अपना यहाँ के जो धर्म शास्त्र है जरा अनुकरण करके हमने के परिवार हमने के समाज हमने के देश के पूरा दुनिया में वो अलग पहचान है। अपन साहित्य जान ला अपन व्याकरण अपनी भारत में जन्म ले ली, नीतीश बाबू से दूसर देश के आदमी इतना जरूर कहा थे तो बड़ी सौभाग्यशाली है कि भारत में जन्म बिहार विधानसभा 2006 में हमने रामायण के माने वाला ही, हमने गीता के माने वाला ही, हमने उपनिषद के माने वाला ही, हमने वेद के माने वाला ही और जितना धार्मिक ग्रंथ है सब के अनुवाद मगही में मिला है। आवाज संसद में चुकले है कि मगहिया न खाली अपन देश में हथे, न खाली नेपाल में हथे बल्कि गिरमिटिया मजदूर बन के जो दुनिया के 12-13 देश में गए थे सब जगह अपन पहचान पड़ लगते। देखो कहा जाए
लेकिन अगर आदमी दो चीज ना छोड़े तो ओकर पहचान मिटे वाला ना हरा। वो दो चीज कौन चीज है? एगो भाषा और एगो बेटी। अगर एकरा ना छोड़वा तो तोर पहचान ना मिटतो। हमार गिर बिटिया मजदूर मजदूरी करेगा। चीन एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।